जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम जाट आपका स्वागत करता हूं बिना ईएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हमारी जो एमपीजी के सीरीज है इसका सेकंड लेक्चर चालू करेंगे, तो आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको एड्रेस करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि नहीं है, तो आपको जो तीन जो मैच हैं उनको छोड़कर जो एक अनमैच है उसको पिक करना होता है। तो सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है, ये आपको पता है, बिल्कुल सही है। ये अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है, ये भी सही है, आपको पता है। बिरसिंहपुर उमरिया, ये भी सही है। तो अब गलत कौन सा बचा, तो दोंगलिया मुंडी खरगोन जो है ये गलत है, क्योंकि इसने बोला था कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है, तो दोंगलिया मुंडी नहीं है, क्योंकि अभी ये जो है प्रस्तावित है, अभी यहाँ पर काम चालू नहीं हुआ है, प्रस्तावित है दोंगलिया मुंडी में। इस कारण से इसका उत्तर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड से चलना है। तो आपको जब पता है कि सारणी बैतूल में है, अमरकंटक अनूपपुर में है, बिरसिंहपुर उमरिया में है, तो बचा कौन सा, दोगलिया मुंडी जो कि खरगोन में है। ठीक है, इसका अपन डिटेल अगर देखी जाए तो डिटेल इसमें दिया है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दोगलिया मुंडी क्षेत्र में विद्युत केंद्र प्रस्तावित है ना, तो अभी ये जो है लागू नहीं हुआ है। अब इसके साथ अपने को क्या पढ़ना है, अपने को ये पढ़ना है कि भैया प्रथम विद्युत तापीय विद्युत केंद्र कौन सा था, प्रथम तापीय विद्युत केंद्र है ना। देखिए ऊर्जा से क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सा प्रथम वाला पूछ ले, तो ये अपने को याद होना चाहिए है ना। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो था सबसे पहला वाला है ना, कहाँ पर है, बुरहानपुर में। ठीक है, कितने का है, तो 17 मेगावाट उसकी क्षमता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे प्रथम अपन ने ताप विद्युत केंद्र करा, इसी प्रकार आपको याद होना चाहिए सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो विंध्यांचल ताप विद्युत केंद्र, विंध्यांचल ताप विद्युत केंद्र या परियोजना समझ लो इसको। ये कहाँ पर है, तो ये पर है हमारी विंध्यांचल सिंगरौली में। ठीक है, तो सिंगरौली में विंध्यांचल ताप विद्युत केंद्र है। इसी तरह से जो अन्य ताप विद्युत केंद्र है आपको उनके बारे में याद होना चाहिए। एक स्थान के नाम से आपको बताता हूँ, जैसे झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो है, अब आप झाबुआ के नाम से अगर देखा जाएगा तो आप सीधा झाबुआ जिला लगा देंगे, लेकिन झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो है वो सिवनी जिले में, तो आपको थोड़ी चीज़ें जो है वो याद भी रखनी पड़ेगी जो यूनिक है, अलग से हैं है ना। तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में। इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अब चूंकि ऊर्जा का क्वेश्चन है तो हो सकता है इसमें ये भी पूछ लें कि प्रथम जल विद्युत ऊर्जा वाला प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा है हमारा, गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर में। ठीक है, तो यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी तैयार हो गया। तो जब हम ऊर्जा का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसमें जो ताप विद्युत केंद्र है इनके साथ में जो जल विद्युत केंद्र है इनको भी पढ़ेंगे, ताकि हमारा पूरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाए, इनमें से कुछ भी अगला क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेंड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला एक तरफ है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ है जिला है ना। पहला है बरगी परियोजना, अब आपको पता होना चाहिए बरगी परियोजना जबलपुर, तो बरगी नदी कहाँ पर है, तो बरगी नदी जबलपुर में है। क्या है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी, इस पर एक बांध बना हुआ है, इसको बोलते हैं रानी अवंतीबाई परियोजना, भी इसका नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, तो उसी को क्या बोलते हैं, बरगी परियोजना। तो बरगी परियोजना जबलपुर ही है, तो बिल्कुल सही है, ओके। दूसरा तवा परियोजना, तवा परियोजना कहाँ पर है, होशंगाबाद में, तो हमको ये भी पता है कि तवा परियोजना होशंगाबाद में है। तवा भी क्या है, नर्मदा की एक सहायक नदी है। ठीक है, तवा पर क्या है, सबसे स्पेसिफिक बात, तवा का जो डिस्पे बांध बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है ना, लगभग 1813 मीटर का ये जो ब्रिज है, लगभग 2 किलोमीटर के लगभग ये ब्रिज है, ये तवा नदी पर है, मतलब नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और ये पर कहाँ पर है, होशंगाबाद में। अगला है मटियारी बांध मंडला, तो बिल्कुल ये भी सही है, मटियारी नदी का नाम है, मटियारी नदी भी क्या है, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, कहाँ पर है, मंडला जिले में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला आता है बारना घाटी परियोजना उज्जैन, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आंसर गलत है, चूँकि बारना जो नदी है वो भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो रायसेन और विदिशा जिले में है, लगभग विदिशा और रायसेन में ये सिंचाई के लिए उपयोग में, मतलब जो नहर परियोजना इस पर बनाई हुई है बारना नदी पर, वो रायसेन जिले और विदिशा जिले में, मैं रायसेन भी लिख देता हूँ, रायसेन और विदिशा जिले में जो सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बारना घाटी परियोजना कहाँ पर आ जाएगी, हमारी रायसेन में, तो उज्जैन नहीं आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। वो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित
सही सुमेलित नहीं है, तो आपने क्वेश्चन में नहीं पिक किया, तीन जो सही थे उनको ढूंढ लिया, एक जो नहीं था उसको आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। जैसे आप देखेंगे बारना घाटी परियोजना बारना नदी पर निर्मित है, रायसेन जिले की यह परियोजना है जो रायसेन की बड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित है। बारना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो बारना भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चारों नदियाँ देखिए, अब इसमें आप क्वेश्चन का प्रकृति देखिए, चारों जो नदियाँ हैं या चारों परियोजनाएं जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है, मतलब उसने आपका कहीं ना कहीं नर्मदा नदी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था या उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है। उसने तीन नदियाँ जो है उससे रिलेटेड बता दी हैं, एक जो परियोजना थी वो अलग बता दी, उसकी जगह अगर रायसेन लिखता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन उसने उज्जैन लिख दिया, है ना। तो आपको नर्मदा नदी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगला आता है मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है, ये एक पहला कथन है। दूसरा कथन, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है ना। अब क्या हो रहा है कि यूपीएससी पैटर्न पे थोड़ा सा जा रहा है, पीएससी भी आजकल वो कथन और निष्कर्ष वाला जो ऑप्शन है वो देने लग गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, तो बिल्कुल सूती वस्त्र के लिए मालवा प्रसिद्ध है ही सही, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, तो देखो देखो दोनों क्वेश्चन जो है आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। अब कैसे कोरिलेट कर रहे हैं कि जहां पर कपास उत्पादन जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, वस्त्र उद्योग का विकास होगा, है ना। अब वस्त्र उद्योग में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का जो है विकास इसमें हो सकता है। अब अगर इंदौर की बात करें या स्पेसिफिक मालवा की बात करें, चूंकि यहां पर मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। अब जब काली मिट्टी किसी क्षेत्र में उपस्थित है तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बिल्कुल आइडियल सोइल है ना। जो काली मिट्टी होती है वो आइडियल सोइल मानी जाती है कपास उत्पादन के लिए, जितनी ज़्यादा काली मिट्टी उतना अच्छा कपास उत्पादन होता है। तो निमाड़ और मालवा क्षेत्र जो है कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर अपन पूछे कि भाई सुनहरे जिले किसको कहते हैं कपास उत्पादन के लिए, तो आपको याद आएगा खंडवा और खरगोन। उसी प्रकार अगर मालवा की बात करें तो मालवा में जो है काली मिट्टी का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब काली मिट्टी जो कि है यहाँ पर, तो इसके कारण कपास उत्पादन हुआ और जिसके कारण वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो अगर हम ऑप्शन पर जाएं, निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर चुनना है, केवल एक सही है, हाँ एक तो सही है, केवल दो सही है, केवल केवल लगा दिया है इसलिए ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। जिसमें पूछा एक और दो दोनों सही नहीं है, तो नहीं है, दोनों सही है हमारे, तो एक और दो दोनों सही है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, एक और दो दोनों सही है, है ना। अब चूंकि अब बात आ गई है कि भैया मालवा के पठार की बात, काली मिट्टी की बात, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में उपस्थित है। अब चूंकि मृदा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक आपको डिटेल बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता है। काली मिट्टी कपासी मृदा भी कहते हैं, जिसके कारण कपास का अत्यधिक उत्पादन के कारण यहाँ कपास से निर्मित सूती वस्त्रों की मिलों की स्थापना अधिक संख्या में की गई, ठीक है। ये जनरल बातें थी, अब आपको मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश के लगभग 43% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब चूंकि मालवा जो है मध्य प्रदेश के लगभग 28% क्षेत्रफल पर उपस्थित है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो मालवा का अधिकतर पार्ट है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी जो है वो कपास उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है, इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। अब देखिए, अब मैंने जैसे काली मृदा लिखा है, काली मृदा बताया मैंने आपको 43% है, तो आपको जो अन्य मृदा है उनके भी प्रतिशत याद होना चाहिए कि लाल पीली कितनी है, जलोढ़ कितनी है, लेटराइट कितनी है और मिश्रित मृदा कितनी है ना। मिश्रित मृदा में क्या होगा, आपकी लाल पीली भी आ जाएगी, थोड़ी बहुत काली भी आ जाएगी, तो आपको इनका प्रतिशत याद होना चाहिए। लगभग ये 37% है, जलोढ़ मृदा लगभग 7-10% के लगभग है, मिश्रित मृदा भी 10% के लगभग है और 3% लेटराइट मृदा, ठीक है। तो ये मृदा का आपका प्रतिशत वाइज, कई बार क्या होता है वो पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के इतने इतने क्षेत्रफल में कौन सी मृदा का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको 1% लगभग याद होना चाहिए, ठीक है। अब सूती वस्त्र मिलों की बात हो रही है, तो सूती वस्त्र मिलों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी। सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्र मिलें जो हैं, जो इनकी मिलें हैं, ये कहाँ पर है, इंदौर में, है ना, इंदौर में सबसे ज़्यादा है। दूसरी अगर अपन बात करें तो एक कल्याण मिल, मालवा मिल, कल्याण मिल, मालवा मिल, ये जो सूती वस्त्र की जो मिलें हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में और इंदौर में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर आता है कल्याण मिल कहाँ पर है या मालवा मिल कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंदौर की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस
पर एक भारतीय पेंगोलियन की रेडियो टैगिंग की है, ठीक है। अब चूंकि पेपर एमपीपीएससी का है तो अधिकतर क्वेश्चन वो आएंगे जिसमें एमपी जो है डोमिनेट करेगा, है ना। तो आप अगर थोड़ा सा आपको लगाना है कि यार आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको उत्तर बी मध्य प्रदेश ही लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके राज्य के बारे में बात पूछ रहा है, ठीक है। अब उसमें पूछा है कि भैया विश्व पेंगोलियन दिवस पर भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग्ड किया गया। अब रेडियो टैग्ड क्यों किया गया? क्योंकि जो पेंगोलियन है वो विलुप्त प्रजाति में आता है, रेड डाटा बुक लिस्ट में इसको जो है शामिल किया गया है। अब जब इसको शामिल किया गया है तो इसका अब हमको क्या करना है, इसका संरक्षण करना है। तो हमारे पास जो भी पेंगोलिन मिलेगा हम उसको क्या करते हैं, संरक्षित करने के लिए उसकी रेडियो टैगिंग कर देते हैं, ताकि जो उसकी गतिविधि है, उसका एरिया जो है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, या उसकी प्रजातियाँ और कितनी हो सकती है उसके बारे में हमको जानकारी मिले। तो 15 फरवरी 2020 को नॉर्वे में विश्व पेंगोलियन दिवस पर मध्य प्रदेश के वन विभाग ने की रेडियो टीम ने भारतीय पेंगोलियन का सफलतापूर्वक पुनर्वास जंगल में कर उन्हें टैग कर टेलीमेट्री का प्रयोग कर निगरानी में रखा गया है, ठीक है। तो क्या किया है कि भारत के जो मध्य प्रदेश की वन विभाग की टीम थी उसने जो पेंगोलियन था उसकी एक तो रेडियो टैगिंग करी और टेलीमेट्री विधि के द्वारा उसका प्रयोग करके उसका पुनर्वास किया हमारे यहाँ के जंगल में। यह कार्य पेंगोलियन के बारे में जागरूकता तथा उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए एक जागरूक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, ठीक है। इसके लिए मध्य प्रदेश बहुत प्रसिद्ध काम किया है और उनको जो नॉर्वे में विश्व पेंगोलियन दिवस था उस दिन उन्होंने ये रेडियो टैगिंग करके इसका पुनर्वास किया है, ठीक है। आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? ठीक है भैया, महमूद गजनवी कौन था? तो महमूद गजनवी एक आक्रांता था या आक्रमणकारी था जिसने भारत पर लगभग 25 से 26 बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसी दौरान जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में चंदेल राजवंश था। चंदेल राजवंश कहाँ पर था? चंदेल राजा जो थे कहाँ के थे? इनका संस्थापक कौन था? तो नन्नुक इनका संस्थापक है, ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक। राजधानी कहाँ पर है? प्रारंभिक राजधानी खजुराहो में है, खजुराहो में। अगली राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट राजधानी इन्होंने कलिंजर भी बनाई थी, ठीक है। अब जो चंदेल वंश है इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? एक तो चंदेल वंश ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है। खजुराहो को स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो चंदेल वंश के द्वारा दिए गए हैं। वहाँ जितने भी मंदिर हैं, है ना, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, दत्तश्री मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है ना, 64 योगिनी मंदिर है, या अन्य जितने भी मंदिर है, दूलादेव मंदिर है, ये सब मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया है। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि महमूद गजनवी का सामना हुआ था तो वो कौन राजा उस समय था? तो उस समय जो राजा थे वो थे राजा विद्याधर, ठीक है। अब विद्याधर इस वंश के एक प्रतापी राजा थे। अब विद्याधर से आपको और क्या याद करना चाहिए कि विद्याधर ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो सबसे महत्वपूर्ण कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। चूँकि इसकी ऊंचाई जो है 31 मीटर है, ये बहुत ऊंचा मंदिर है, लगभग 18 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई है। तो ये कंदरिया महादेव मंदिर है जिसके निर्माण किसने करवाया था? विद्याधर ने करवाया था। अब अगर बात करें महमूद गजनवी की, ठीक है, तो इतिहास का एक आक्रांता है, इसके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इसने कब कब आक्रमण किया। तो जब इसने कलिंजर पर आक्रमण किया था उसके बाद इसका जो अंतिम आक्रमण है 2025 के लगभग सोमनाथ में पाया जाता है ना, तो हमको महमूद गजनवी से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ लेना चाहिए कहीं ना कहीं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट किसी उसमें ये क्वेश्चन आ जाए। चंदेल वंश के प्रतापी राजा विद्याधर ने मध्य प्रदेश में कलिंजर व जेजाग मुक्ति, ठीक है। अब इसको जो है जेजाग मुक्ति वंश भी इसी वंश को कहा जाता था, क्योंकि इनका एक प्रसिद्ध राजा था जयशक्ति, जयशक्ति एक शासक था इनका। इस जयशक्ति के नाम पर इस वंश का नाम जेजाग मुक्ति पड़ा है, पर शासन किया था तथा 1019 में महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षी सफलता पूर्व आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। तो इसमें कहा जाता है कि जो विद्याधर है उन्होंने महमूद गजनवी का बहुत सामना किया था, बहुत वीरता के साथ इनका सामना जो है वो किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला आ रहा है क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी बहुत प्रसिद्ध त्रासदी है, क्योंकि ये जो घटना है इस घटना को सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदियों में शामिल किया गया है ना। आपको एक करंट का क्वेश्चन बताता हूँ कि वर्तमान में जो यूएस है, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट घटना है, इसको महत्वपूर्ण औद्योगिक त्रासदियों में शामिल किया गया है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो जो इसकी डेट है वो हमको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखनी है, 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में, है ना, 1984 2-3 दिसंबर की रात को
अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं कि तो कौन सी गैस, तो MIC जिसको बोलते हैं मिग गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई लोगों को बहुत सारी गंभीर बीमारियां हुई थी, वहां का पानी, हवा और जो पशु पक्षी उन पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अब ये करंट में ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी USA की कोर्ट में या USA की जो कांग्रेस है, जो संसद है, उसका नाम है कांग्रेस, उस कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी ये कंपनी थी, इस कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, है ना। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है एक अपना जो पक्ष रखने के लिए एक व्यक्ति को जो है भारत भेजे, भारत की कोर्ट में जो है अभी इसका फैसला होना बाकी है। तो अभी तक भी ये जो है विषय जो है चर्चा में बना हुआ है, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका डिटेल आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में रात्रि में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है, इसमें क्या बनता था, पेस्टिसाइड बनता था, पेस्टिसाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस को क्या बोलते हैं, मिग गैस, MIC या मिग भी इसका नाम है, तो कहीं आपको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। इसका रिसाव के कारण हजारों लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका जो उस समय हेड था उसका नाम है वॉरेन एंडरसन है, जिसका उस समय वारंट भी निकला था और इसको वॉरेन एंडरसन इसका नाम है, इस व्यक्ति के नाम पे वारंट निकला था और कार्रवाई जो है इस आधार पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है ना। तो जो मालवा के जो लोकल शासक थे उन्होंने कहीं ना कहीं संवत को चलाया होगा। अब अगर हम थोड़ी सी इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के आधार पर चले हम, है ना, ठीक है, तो सबसे पहले कलचुरी वंश देखते हैं। तो कलचुरी कहाँ का था, जबलपुर का था। ठीक है, मुख्य रूप से ये कहाँ पर था, जबलपुर या त्रिपुरी इसको बोलते हैं, इनकी राजधानी त्रिपुरी थी, तो कहीं ना कहीं ये जबलपुर से संबंधित हैं। एक शक वंश आता है, इन्होंने शक संवत चालू किया था, है ना, लगभग 78 EC में इन्होंने शक संवत चालू किया था। ठीक है, यहाँ जो तो ये शक भी जो थे लगभग उत्तरी भारत में थे, है ना, तो ये इसका भी संबंध मालवा से नहीं हो सकता। तीसरे गुप्त शासक थे, तो गुप्तों का कोई ऐसा हमें संवत जो है पता नहीं चलता है, लेकिन गुप्त भी जो थे मालवा से रिलेटेड ज़्यादा थे नहीं। अब बच रहा है इसमें कृत संवत, तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा जब आप 3 को हटा देते हैं, 14 ऑप्शन बच रहा है कृत संवत, तो हम इसको लगाएंगे कृत संवत, है ना, बाकी 3 जो हैं इसमें गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या बोल रही है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन मुद्रा जिसमें ब्राह्मी लिपि में हिंदू पंचांग, है ना, ये एक हिंदू पंचांग था, हिंदू पंचांग के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मालवा संवत जिसे कृत संवत भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, कृत संवत। ठीक है, तो ये मालवा के कहीं ना कहीं इतिहास से संबंधित है, वहाँ के राजाओं ने इस तरह का संवत चालू किया था। अगला आता है, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर शीट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब होता ये है, अब जो MP का कल्चर और हिस्ट्री है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं। कल्चर और हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि लगभग एक यूनिट पूरी इनकी ही बना दी गई है ना, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अब जो कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको उनको थोड़ा सा बेसिक मेथड से जाना होता है, या तो एलिमिनेशन मेथड से आप चले जाएँ, या फिर आप कुछ क्वेश्चनों को जो है थोड़ा सा पढ़ लें, अगर डिटेल में आपको कहीं ना कहीं इसकी जानकारी मिल जाए तो आप उसके आधार पर कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम देखें, मध्य प्रदेश में कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, तो सूती वस्त्रों के लिए अगर अपन बात करें तो मालवा क्षेत्र जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है मांडू मिलता है, एक धार मिलता है, दूसरा सिरोंज और रायसेन। तो सिरोंज कहाँ पर है, विदिशा जिले में, तो ये लगभग मालवा से लगा हुआ पार्ट है। अब चूंकि यहाँ पर अशोक का भी शासन था और भी अन्य शासक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उद्योगों का विकास महत्वपूर्ण हुआ था, तो जो इस क्वेश्चन है इसका उत्तर तो जो है सिरोंज दिया हुआ है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ऐसी चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी, कुछ नई नई शब्दावली आ रही है, जैसे अभी पिछली बार पन ही पूछ लिया था एक क्वेश्चन में, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमको रटनी भी पड़ेगी और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमको सिरोंज जो है इसका उत्तर है। अब इसकी थोड़ी डिटेल जो है वो देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि सिरोंज विदिशा जिले में मध्यकालीन भारत में छीट नामक सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, है ना, तो छीट नामक एक सूती वस्त्र बनता था और उसका उत्पादन के लिए जो विदिशा है वो प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, अगला आता है, निम्न में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, गोटमार मेला एक बहुत प्रसिद्ध मेला है, इसमें क्या होता है कि एक नदी है पांडुरना या जाम नदी इसको बोलते हैं, जाम नदी है, एक जगह का नाम है पांडुरना एक गांव है ना, वहाँ पर एक नदी है जाम नदी, इसके इस किनारे लोग खड़े हो जाते हैं और इसके इस किनारे भी लोग खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। ठीक है, इधर से ये पत्थर मारते हैं, इधर से ये पत्थर मारते हैं, तो इसको बोलते हैं गोटमार। अब ये पांडुरना महत्वपूर्ण कहाँ पर है, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा का एक जगह है,
तो ये अगर मेला अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, छिंदवाड़ा। अब मेले से क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए इंदौर में कौन सा मेला है, खरगोन में कौन सा है, मंदसौर में कौन सा है ना। तो हर ऑप्शन के हिसाब से मैं अगर आपको इंदौर में बताऊँ तो इंदौर में कौन कौन सा मेला लगता है, तो एक आशापुरी माता का मेला लगता है, ठीक है। और जैसा घोटमार है वैसा ही यहाँ पर एक हिंगोट मेला लगता है, ठीक है। हिंगोट मेले में भी क्या होता है कि दीपावली के आसपास जो होता है दो पक्ष आपस में रहते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, फटाके फोड़ते हैं। तो जो हिंगोट मेला है इस कारण से प्रसिद्ध है, जिस तरह से घोटमार में एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं, उसी प्रकार हिंगोट में जो है एक दूसरे के ऊपर जो है जो दीपावली होती है उसके जो फटाके होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चलाए जाते हैं। अगला आता है मंदसौर। मंदसौर में किसका मेला लगेगा, तो मंदसौर में प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ का, ठीक है। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है और पशुपतिनाथ जी का ही मेले का आयोजन किया जाता है। तो हमने को मंदसौर से भी एक मेला याद हो गया पशुपतिनाथ। अगला आता है खरगोन। खरगोन से कौन कौन से मेले हैं, तो खरगोन में लगभग दो से तीन मेले लगते हैं। एक मेला लगता है शहीद मेला, ठीक है। शहीद मेला कहाँ पर लगता है, ये सनावद में लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। दूसरा एक नवग्रह मेला लगता है, संक्रांति के आसपास नवग्रह मेला का आयोजन किया जाता है खरगोन में ही मुख्य रूप से। अगला एक मेला लगता है कालू महाराज जी का मेला। कालू महाराज जी का मेला लगता है पीपलिया में, है ना, कालू महाराज का मेला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेला हो जाता है। तो अपने को मेले से जो है क्वेश्चन आ रहा है तो हमको लगभग जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेले हैं वो याद होना चाहिए और इनके आसपास के भी मेले हमको पता होना चाहिए, है ना। तो जो मेले से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। यह मेला छिंदवाड़ा जिले के पांडुना कस्बे में भादो मास को होता है। इस मेले में लोग एकत्रित होकर एक दूसरे को पत्थर मारकर लहू बहाते हैं, ठीक है। इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ये एक प्रथा है, पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही है, उसको अभी तक भी इन्होंने संजो कर रखा है और इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। तो सबसे पहला तो ये जानना जरूरी, विमुक्त जाति कौन कौन सी है। तो विमुक्त जाति का मतलब ये है कि जिनको ब्रिटिश शासन काल में जिन जातियों को जन्म से क्या घोषित कर दिया गया था, अपराधी घोषित कर दिया गया था, है ना। तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश साम्राज्य चला रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्यों के सामने कई बार ऐसी जनजातियां उभर कर आई हैं जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो उनकी गले की हड्डी बन चुकी थी, है ना। तो उन जातियों के लिए इन्होंने क्या किया था, उनको सीधा अपराधी घोषित कर दिया था कि ये जनजाति जो है या ये जाति जो है इसका जन्म, इसमें जो जन्म से बच्चा हो रहा है या इसका जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं अपराधी है, उनके आधार पर इन्होंने जो धाराएं बना दी थी। तो विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, विमुक्त जाति दिवस मनाया है कि हमने जो है उन जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद 1954 को जो है हमने इनको विमुक्त जाति से समाप्त कर दिया, भाई इस तरह की कोई जाति नहीं होती। अब चूंकि अपन ब्रिटिश के आधार पर देखे थे, पिंडारी एक आपको जनजाति याद होगी या पिंडारी जाति याद होगी, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को नुकसान पहुंचाया, वो इनसे डरते भी थे और परेशान भी रहते थे इस कारण से। तो इसका उत्तर आएगा 31 अगस्त। 31 अगस्त को विमुक्त जाति से तात्पर्य ऐसी जातियाँ जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया था, है ना। 1952 के अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है, सॉरी ये 1954 की जगह 52 का एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम में इन जनजातियों को विमुक्त जनजाति समाप्त कर दिया था। और ये कब मनाया जाता है, 31 अगस्त को, ठीक है। फिर आपको अगर जनजाति से याद आया या मध्य प्रदेश से याद आया है तो हमको याद होना चाहिए जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, जनजाति गौरव दिवस हमको याद करना चाहिए। जनजाति गौरव दिवस कब है, 15 नवंबर, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, है ना। तो 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एमपी से रिलेटेड है और इनको हम बहुत महत्व दे रहे हैं अभी वर्तमान में, तो इस कारण से हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है, है ना, किस लोक नृत्य कला से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं श्री राम सहाय पांडे। तो राम सहाय पांडे को वर्तमान में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चूंकि ये करंट में जो है प्रसिद्ध रहे थे इस कारण से ये क्वेश्चन जो है MPPSC ने उठा लिया है, ठीक है। इसका उत्तर आएगा राई के प्रसिद्ध कलाकार हैं राम सहाय पांडे। लेकिन अब इससे हमें और क्या याद करना है कि भाई इनके साथ और किन किन को पद्मश्री मिले थे, पद्मभूषण मिले थे या अन्य किसी प्रकार के पुरस्कार मिले थे, तो वो हमको याद होना चाहिए, है ना। अब चूंकि राम सहाय पांडे जो है बुंदेलखंड में राई नृत्य करते हैं, ठीक है, राई नृत्य से संबंधित है। अब बिहू, लावणी, नौटंकी इस तरह के भी नृत्य हैं, तो हमें सबसे पहले लोक नृत्य, है ना, सभी जगह के लोक नृत्य याद होना चाहिए। सभी जगह से मतलब क्या है आपका, कि भाई निमाड़ के कौन कौन से, तो आप निमाड़ के बोलिए क्या क्या है लोक नृत्य में। काठी है, हाँ काठी है, सॉरी क्या हो गया है,
एक काठी नृत्य है, काठी निमाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है, काठी है। इसके अलावा क्या है, अगला गणगौर है, गणगौर पर्व मनाया जाता है निमाड़ में, गणगौर भी यहाँ का लोक नृत्य है। एक और लोक नृत्य देखें तो फेफड़िया या मांडलिया, मांडलिया जिसको बोलते हैं, मांडलिया है ना, और फेफड़िया, तो इस तरह के जो लोक नृत्य हैं ये निमाड़ निमाड़ के हैं ना। तो आपको निमाड़ के चारों याद होने चाहिए, काठी हो गया, गणगौर हो गया, मांडलिया हो गया और फेफड़िया हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट अपन किसका याद करेंगे, तो अपन मालवा के पढ़ेंगे, क्योंकि लोक नृत्य की बात आई, लोक नृत्य कहीं का पूछ सकते हैं, तो हमें मालवा के भी पता होना चाहिए। मालवा के कौन कौन से हैं, तो एक तो आपने पढ़ रखा है मटकी, ठीक है, एक है रजवाड़ी, है ना, ये दोनों तो बहुत फेमस है, मटकी है, रजवाड़ी है, और कौन सा है, दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी क्या होता है, जनजाति नृत्य में आ जाता है ना, बिल्कुल सही है, वो भी बहुत बढ़िया लोक नृत्य है, लेकिन वो जनजाति में आ जाता है। तो दुलदुल घोड़ी कौन सी जनजाति, सहरिया, है ना, सहरिया जनजाति का बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, तो सहरिया का है दुलदुल घोड़ी, बहुत बढ़िया। ऐसे आपको याद होना चाहिए बुंदेलखंड के और बघेलखंड के, है ना। अगर मैं आपको और बताऊं भाई बुंदेलखंड का कौन सा है और बघेलखंड का कौन सा है, अब इसके बाद नेक्स्ट मालवा के बाद अपन कौन सा लेंगे, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड का एक सबसे प्रसिद्ध तो यही हो गया राई, राई से ही रिलेटेड होता है राई और ढीमी राई, है ना, राई हो गया, ढीमी राई हो गया, बधाई हो गया, सेरा, है ना। एक बधाई नृत्य भी होता है जो कि विवाह के या फिर जन्म के अवसर पर जो है, जो खुशी के अवसर होते हैं वहाँ पर मनाया जाता है बधाई नृत्य, ठीक है। तो इस तरह से जो ये लोक नृत्य हैं ये बुंदेलखंड के हो गए। अब अगर एक नज़र और मारे तो हम बघेलखंड के और पढ़ लेते हैं, बघेलखंड के ना, तो बघेलखंड में अगर आप जाएंगे तो बघेलखंड में आपको मिलेंगे दादर, सुआ, है ना, या फिर बिरहा और कलमा। तो दादर, सुआ, इस तरह के जो नृत्य हैं वो बघेलखंड के हैं। तो आपको लगभग लोक नृत्य सब याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हमको दो चीज़ें याद करनी है, एक तो लोक नृत्य, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनको अभी तक या तो पद्मश्री या पद्मभूषण या पद्म पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के दिए गए हैं 2020-21-22, ये लगभग करंट 2-3 वर्षों के याद होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है, ठीक है। अब दुर्गाबाई व्याम कौन है, तो दुर्गाबाई व्याम एक मंडला निवासी हैं, गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, मध्य प्रदेश के जो जनजातीय बना हुआ है मध्य भोपाल में, वहाँ पर ये कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, इन्होंने गोंड चित्रकला या गोंड कला का बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। इनको भी जो है हमने पद्मश्री पुरस्कार दिया हुआ है, क्या दिया है इनको, पद्मश्री पुरस्कार। अब चूंकि इनको पद्मश्री दिया है इसी कारण से ये चर्चा में है, इनके साथ और कितने लोगों को दिया है, हमने 4 और लोगों को दिया था, 5 लोगों को टोटल दिया था, है ना, जिसमें एक हैं एनवी मिश्रा सर जिनको चिकित्सा के लिए दिया है, ठीक है। मैं नेक्स्ट को उस पर जाता हूँ। देखिए दुर्गाबाई व्याम को गोंड जनजाति से संबंधित है तथा यह भोपाल में जनजाति कला की गोंड शैली की के लिए काम करती हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड एक हैं एनपी मिश्रा सर, इनको काय के लिए दिया गया, चिकित्सा के लिए दिया गया, ठीक है। दो व्यक्तित्व, 3 व्यक्तित्व और हैं, एक है अर्जुन सिंह ध्रुवे, उनको भी कला के लिए दिया गया है, एक है अवध कुमार जाड़िया, उनको साहित्य के लिए दिया है, अवध किशोर जाड़िया और राम सहाय पांडे अपने पिछले क्वेश्चन में हो ही गए हैं ना। तो हुआ ये है कि पद्मश्री पुरस्कार 5 लोगों को दिया था जिसमें से 2 के क्वेश्चन आ गए इसी साल में आ गए, है ना। तो 3 व्यक्ति और बच रहे हैं, तो जिसमें एक एनपी मिश्रा साहब हैं, एक अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं, अर्जुन सिंह ध्रुवे, है ना, अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं, और एक है अवध किशोर जाड़िया, तो ये साहित्य के लिए हैं, ये कला के लिए हैं और ये चिकित्सा के लिए हैं। तो ये क्वेश्चन अपना बन गया, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में से वह जिला जिसके लिए लिंग अनुपात सबसे कम है ना। तो चूंकि जो लिंग अनुपात है वो 2011 की जनगणना के आधार पर चल रहे हैं अभी तक भी, तो हमको कहीं ना कहीं 2011 की जनगणना जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, भारत की भी और मध्य प्रदेश की भी, क्योंकि इनमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आ ही रहे हैं। अब उसने क्या पूछा है, लिंग अनुपात सबसे कम, ठीक है। तो कम हमको पता है 3 जिलों में सबसे कम है, कौन कौन से हैं, एक है भिंड, नेक्स्ट कौन सा है, मुरैना, तीसरा कौन सा है, ग्वालियर, है ना। ये 3 जिले हैं जिनका सबसे कम है, अगर अपन संख्या में देखें तो इनका है 837 है, इनका लगभग 840 है और इनका लगभग 864 के लगभग, है ना।
तो अपना जो क्वेश्चन था कि वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो उसका उत्तर सीधा आ गया भिंड, है ना। अब इसमें पहला ही ऑप्शन दिया है बालाघाट। अब बालाघाट इन्होंने क्यों दिया है ना, ये एक स्ट्रेटजी है दिमाग की कि आपने सबसे ज़्यादा पढ़ रखा हो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, तो वो है बालाघाट। इसलिए उन्होंने पूछा क्या है, सबसे कम है, लेकिन अगर आपने जो जो उसमें पढ़ लिया सबसे ज़्यादा है तो आप बालाघाट लगा देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग से खेल रहा है। अब बालाघाट में क्या है, सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1021, ठीक है। इनके साथ आपको और क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए, जैसे बालाघाट, ओके, देखो दूसरा बता देता हूँ, भारत का कितना है लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात है 943, ठीक है। मध्य प्रदेश का औसत कितना है, मध्य प्रदेश का औसत अगर देखा जाए तो 931, ठीक है। अगर तीन ज़्यादा वाले ज़िले, जैसे कम वाले ज़िले हमने पीछे पढ़ लिए, अगर सबसे ज़्यादा वाले ज़िले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा में आ जाता है बालाघाट, बालाघाट के बाद आ जाता है अलीराजपुर, और अलीराजपुर के बाद आ जाता है मंडला, ठीक है। अगर हम बात करें बालाघाट की, बालाघाट में कितना है, 1021 पढ़ लिया हमने, इसका सीधा है 1011 है, और मंडला का 1008, है ना। तो ये लिंगानुपात, तीन सबसे ज़्यादा ज़िले, तीन सबसे कम वाले ज़िले भी हमको पता है, भारत का पता है और मध्य प्रदेश का पता है, तो कहीं ना कहीं एक लिंक करके हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड जिले का न्यूनतम लिंगानुपात 837 है, तथा अधिकतम लिंगानुपात बालाघाट का है 1021। तो हमारे दो से छः क्वेश्चन कम से कम तैयार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है उसको पहले 12 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो एक जो जलवायु क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। अब चूंकि आप मैप से अगर पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा कि कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं, तो मैं आपको हल्की सी ब्रीफ करके थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। ये वाला जो क्षेत्र आता है ये आता है ग्रिड क्षेत्र, है ना। ये वाला बेल्ट जो आता है ये आता है निमाड़ का मैदान, यहीं पर एक है झाबुआ का मैदान या झाबुआ का घाटी क्षेत्र, ठीक है। ये आ जाता है मालवा, ये ऐसी ऐसी आ जाती है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। इधर आ जाता है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है विंध्य घाटी क्षेत्र, विंध्य घाटी क्षेत्र, विंध्याचल घाटी आ जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं सतपुड़ा आ जाएगा, सतपुड़ा का पठार, ये सतपुड़ा का पठार है। जब विंध्याचल घाटी पढ़ेंगे तो इसमें सतपुड़ा की पहाड़ी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये दो जो पार्ट है, इसमें एक है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का ऊपरी मैदान और छत्तीसगढ़ का पठारी क्षेत्र, है ना। तो इस तरह से लगभग 11 जो है क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। जब आप इसको मैप बना के एक एक बार लिख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं या कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र इसमें शामिल है, नहीं है, तो आपको लगभग 11 के 11 याद होने चाहिए और उनका एरिया लगभग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर देखें हम तो मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ठीक है। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार, तो एक छत्तीसगढ़ का मैदान था, है ना, मध्य प्रदेश के उस भाग में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र बस छत्तीसगढ़ के मैदान के जस्ट ऊपर। नेक्स्ट है कैमूर का पठार, वो सतपुड़ा, है ना। अगला है मध्य नर्मदा घाटी, हमने पढ़ा, विंध्य का पठार, विंध्यांचल का पठार, ठीक है। मध्य व गिरद क्षेत्र, ओके। बुंदेलखंड का पठार भी पढ़ा, सतपुड़ा का पठार है, मालवा का पठार है, निमाड़ का पठार है और झाबुआ की पहाड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इनमें कुछ कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान काय के लिए प्रसिद्ध है, तो धान का क्षेत्र है या धान की खेती के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरा आता है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र काय के लिए, तो बागवानी फसलों के लिए। अगला आ जाता है कैमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, धान और गेहूँ दोनों के लिए, है ना। इसमें लगभग नरसिंहपुर और ये आसपास के क्षेत्र जो है इसमें लग जाएंगे। अगला आता है मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, तो गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं का कटोरा भी बोलते हैं नर्मदा घाटी को, है ना। अगला आता है विंध्याचल का पठार, पशु आधारित कृषि व्यवस्था के लिए। फिर आता है मध्य क्षेत्र या गिरद क्षेत्र, ये चंबल की बात करें तो गेहूं ज्वार क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। फिर बुंदेलखंड का पठार, मिश्रित मृदा है यहाँ पर, गेहूं ज्वार का क्षेत्र है। अगला है सतपुड़ा का पठार, वहाँ पर क्या है, हाइब्रिड सब्जियाँ हैं, ओके। मालवा का पठार, मालवा का पठार आपने पढ़ा ही लिया, कपास उत्पादन, गेहूं उत्पादन, है ना, तो कपास के लिए सूती वस्त्रों का उद्योग स्थापित हुआ है। अगला आता है निमाड़ का मैदान, ये भी कपास उत्पादन और ज्वार क्षेत्र के लिए, कपास के लिए खरगोन और खंडवा जिले प्रसिद्ध हैं। अगला आता है झाबुआ की पहाड़ी, तो वहाँ भी कपास और ज्वार क्षेत्र है ना। तो इस तरह से ये 11 के 11 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अगला आता है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश का जो इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ठीक है। ये हमारी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप का है,
देखिए क्या है, ट्राइबल विश्वविद्यालय ये एक खुला विश्वविद्यालय है जहाँ पर जो जनजाति लोग हैं उनके लिए खुला विश्वविद्यालय है, उनमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती। खुला विश्वविद्यालय इस तरह से होता है आप किसी भी कोर्स में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि जो हमको मध्य प्रदेश का साक्षरता दर है या साक्षरता प्रतिशत है उसको बढ़ाना है, उसके लिए ये इनिशिएटिव किया गया था। तो ये जो है ये है अमरकंटक जगह नामक अमरकंटक नामक शहर में स्थित है। अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में, ठीक है। अब अमरकंटक क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नर्मदा नदी, बहुत सही। यहाँ से तीन नदियाँ जिसमें से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है ना, नर्मदा, सोन और जोहिला तीन नदियाँ जो है यहाँ से निकलती है, इसलिए अमरकंटक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अमरकंटक की एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है, तांबा, मलाजखंड, कुछ उत्पादन होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, रेणुकूट, इसको कुछ बोलते हैं ना रेणुकूट, मध्य प्रदेश का रेणुकूट, ठीक है। इसमें जो एक खनिज तत्व है उसका उत्पादन होता है, इसके कारण इसको मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें एक चीज़ से चार चार या पांच पांच चीज़ें जो है याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी, ये सन हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश में हुई थी। ये आदिवासी लोगों के लिए खुला विश्वविद्यालय है, ओपन विश्वविद्यालय है, इसमें किसी भी उम्र या किसी भी आधार पर जो है एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हिंदुस्तान कापर लिमिटेड का कापर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है, और इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही आपको कॉपर सिटी बोला है आपका दिमाग दौड़ने लग गया होगा कि यार कापर कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि मलाजखंड में जो है सबसे बड़ी खदान जो है कॉपर की है, यहाँ पर अब किसके द्वारा किया जा रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है ना। चूँकि इसने ये पृष्ठभूमि बनाई है कि आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से थोड़ा सा कन्फ्यूज हों इस टाइप से, और लास्ट में उसने केवल एक हिंट अपने लिए छोड़ दी, कॉपर सिटी। तो हम जानते हैं कॉपर सिटी किसको कहते हैं, मलाजखंड। मलाजखंड कहाँ पर है, बालाघाट में, है ना। तो बालाघाट की जो है इसकी खदान है, तो कहीं ना कहीं हमको पता है ना इसका। तो इसके अलावा एक और खदान बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कौन सी है, भरवेली। भरवेली की खदान है, काई के लिए इंपॉर्टेंट है ये, हाँ सबसे बड़ी खुली खदान है। लेकिन ये उत्पादन किसका करती है, मैग्नीज। तांबा के लिए तो ये मलाजखंड हो गई है, तो म से मैग्नीज और म से मलाजखंड साथ में नहीं रहेंगे, है ना, तो मैग्नीज चला जाएगा यहाँ पर। तो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट की भरवेली खदान, सबसे बड़ी ओपन मुंह की खदान है, ठीक है। इसके अलावा ये जो चकलिया है और झमालिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं पड़े पड़े लग रहे हैं। जैसे चकलिया जो है ये सिवनी जिले में नहीं, ये दोनों स्वर्ण उत्पादन के लिए, काय के लिए, स्वर्ण उत्पादन, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खदानें हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है, सोने की खदानें मिली हुई है, तो सोनों की खदानों के लिए दोनों जगह प्रसिद्ध हुई हैं, है ना। तो इमलिया जो है वो कटनी में, और चकलिया जो है वो सिंगरौली में, इमलिया और चकलिया तो ये सिंगरौली में है और ये कटनी में। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, खनिज में से क्वेश्चन आते हैं, अपने कोयला हुआ, तांबा हुआ, मैग्नीज हुआ, सोना हुआ, वर्तमान में अभी जैसे यूरेनियम के भी कुछ भंडार मिले हैं, या चुटका परमाणु ग्रह कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड भारत की सर्वाधिक मात्रा में तांबे उत्पादन किया जाता है, यहाँ तांबे की मोटी परत पाई जाती है, इसके कारण इसको कॉपर सिटी या तांबे का शहर भी या तांबे की सिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये लेक्चर हुआ ख़त्म। अब आपको क्या करना है, रोज़ की तरह रिवीजन करना है, जो जो चैप्टर बताए गए हैं, जो जो क्वेश्चन आए हैं, उनके आसपास के जो जो एरिया हैं कहीं ना कहीं वो तैयार करने हैं। मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है 35 से 40 क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से ही आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होना चाहिए। 17 दिसंबर को पेपर है, कम दिन बचे हैं, और तैयारी करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट लगाते रहें। क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उससे ज़्यादा आपको गलतियाँ पकड़ में आएंगी, ठीक है। आप जितने ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं उससे होता क्या है कि आपको आपकी गलतियाँ पता चलती है, कि आपने सोचा बी था लेकिन लगाया सी है, या OMR में आप किस तरह का गोला भर रहे हैं वहाँ भी समस्या होती है। जो व्यक्ति एक या दो नंबर से बाहर होता है वो योग्यता में कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन उसकी कुछ गलतियाँ हैं उसको जो प्रीज या मेंस से बाहर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन गलतियों को सुधारना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके लगाना है, और जो क्वेश्चन गलत किए हैं उन पर सुधार करना है, उन पर काम करना है, कि जो एरिया पूछा गया था वो मेरा तैयार था, मैं क्यों नहीं बना पाया, या मैं क्यों नहीं बना पाई, या फिर कोई ऐसा नया क्वेश्चन है तो मैं उसको किस तरह से डील करूं, है ना। तो इस तरह से जो है आपको तैयारी अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट लक, जय हिंद, जय भारत।